पिछले हजार साल में नहीं रहे होंगे। गुलामी के जंजीरों ने उसके एस्पिरेशंस को दबोच के रखा था। उसकी भावनाओं को तहस नहस कर दिया था। आजाद भारत में अपने सपने संजो रहा था, चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन मिलकर के आज जहां पहुंचे हैं, अब वहां वो रुकना नहीं चाहता है। वो एस्पिरेशनल सोसाइटी के साथ नए लक्ष्य गढ़ना चाहता है। जब एस्पिरेशन सोसाइटी सपने संजोते हो, संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो, तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का निर्माण करके उज्जवल भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व हम सभी सांसदों का सविशेष होता है। संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए। ये हम सबकी भावना भी है, कर्तव्य भी है और एक एक देशवासी की हमसे अपेक्षा भी है। हम जो भी रिफॉर्म करें उसके मूल में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सर्वोच्च पद पर होना चाहिए, प्राथमिकता पर होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूं, क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या? जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते। पचहत्तर साल का हमारे पास अनुभव है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाए उससे हमने सीखा है। हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है। इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने, हमारे संकल्प जुड़ जाए, हमारा सोचने का दायरा बदल जाए, हमारा कैनवास बड़ा हो जाए, तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं, उस तस्वीर का खाका खींच सकते हैं, उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को वो भव्य दिव्य माँ भारती के हम उनको सुपुर्द कर सकते हैं। दोस्तों, अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलझना, वो वक्त चला गया है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हमसे शुरुआत होती है, हर नागरिक से शुरुआत होती है। और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे, हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री लिखते थे कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा।
ग्लोबल इकोनॉमी के जमाने में ठीक तो नहीं होगा, लेकिन 5 साल के भीतर भीतर देखा, दुनिया भारत के आत्मनिर्भर मॉडल की चर्चा करने लग गई है। और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो, एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल, क्या इस देश को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? कृषि प्रधान देश हम कहते हैं, खाने का तेल क्या देश बाहर से लाएगा? बहुत समय की मांग है कि हमें आत्मनिर्भर भारत को संकल्प को पूरा करना, ये हम सबका दायित्व है। उसमें दल आड़े नहीं आते हैं, सिर्फ दिल चाहिए, देश के लिए चाहिए। हमें अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में ही कदम रखने होंगे। और मैंने एक बार लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो, हमारी प्रक्रिया में पर्यावरण पर कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। हमारे डिजाइनर, हमारे यहां निर्माण हो रही डिजाइंस, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हमारे हस्तशिल्प, हर क्षेत्र में अब हमें वैश्विक मापदंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए, तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना झंडा फहरा सकते हैं। मेरे गांव में मेरा सबसे अच्छा माल हो, इतनी बात नहीं चलेगी। मेरे राज्य में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, दुनिया में मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा, ये भाव हमें पैदा करना। हमारी यूनिवर्सिटीज दुनिया के अंदर टॉप रैंकिंग में आए, अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है। हमारे शिक्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली है, एक खुलापन है, सर्वस्वीकृत बनी है, उसके सहारे अब हमें चल पड़ना है। और दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में, अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहां, और जब मैं दुनिया को लोगों को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया के उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो उन सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है, पर प्राप्त तो अभी करके रहना है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। आज हमारे देश का नौजवान खेल जगत के अंदर दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है। Tier 2, Tier 3 सिटी से, गांव गरीब परिवारों से, गांव से देश के नौजवान, देश की बेटे बेटियां आज खेलकूद के जगत जीवन में हमारा नाम रोशन कर रही है। लेकिन देश चाहता है, और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेलकूद के हर पोडियम पे हमारा तिरंगा भी लहराता होगा। हमें अब पूरा दल, पूरा हमारा दिमाग क्वालिटी पर फोकस करना ही होगा, ताकि हम विश्व की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल और भारत के सामान्य मानव के जीवन में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के प्रति जो एस्पिरेशन बढ़ा है उसको हम एड्रेस कर पाए। और जैसे मैंने कहा, हम भाग्यवान हैं कि हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है। हमारा और भी एक भाग्य है कि हम उस समय हैं जब हिंदुस्तान युवा देश है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा जन आबादी वाला तो देश बने ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी आबादी उसमें भी सबसे युवा, ये पहली बार हुआ है।